Assalamualaikum everyone, welcome back with another video. So I hope so you all are good guys. Guys, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें आपको बताने वाला हूँ जो न्यू फीचर्स जो है WhatsApp में कुछ आ चुके हैं जो के आप लोगों को नहीं पता होगा, पर कुछ जो है कमिंग सून है वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो आ चुके हैं अपडेट्स जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको आई होप सो नहीं पता होंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है एंड तक लास्ट भी देखिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आपको उन अपडेट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं, मैं आपको उन अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर इस जो है मैं अपने मैसेज में आ चुका हूँ दूसरे नंबर में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है डिसअपीयरिंग मैसेजेस की। तो ये देखें व्हाट्सएप के जो है ऑफिशियली जो अपडेट आ चुकी है, इन्होंने यहाँ पर स्टेटस पर भी हर मोबाइल के स्टेटस पर शो हो रहा है, आपके भी आई थिंक हो रहा होगा। और यहाँ पर जो है डिसअपीयरिंग मैसेज के बारे में बताया गया है कि आप कैसे कुछ टाइम बाद आपके मैसेजेस जो है वो डिलीट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। लेकिन टाइम चल रहा है तो ये कुछ टाइम बाद जो है टाइमर के साथ वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे लगाना है, जिसको ऑन कैसे करना है डिसअपीयरिंग मैसेज को। यहाँ पर आप देखें, मैं अपनी चैट ओपन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर डिसअपीयर मैसेज का आ रहा है, यहाँ पर इसको मैंने ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको ईजिली ऑन कर सकते हैं, यहाँ से 24 आवर्स का लगा सकते हैं, 7 डेज, 90 डेज, जितने टाइम के लिए आप चाहते हैं कि इस बंदे के पास इतने टाइम के लिए ये नोटिफिकेशन ये मैसेजेस रहें, उसके बाद ये जो है खुद ही डिलीट हो जाएंगे। तो एक अपडेट ये हो गई। दूसरी अपडेट के बारे में बताता हूँ आपको, जो है अगर आप ग्रुप बनाते हैं तो पहले उसके अंदर जो है वो 256 मेंबर जो है आप ऐड कर सकते थे, 256 मेंबर जो है आप ऐड कर सकते थे, बट अब मैं आपको बताता हूँ आप कितने मेंबर्स ऐड कर सकते हो। यहाँ से न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं और यहाँ देखें ऊपर देखें आपको 512 मेंबर्स जो है वो आप एक टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप मेंबर जो है एक ग्रुप में आप 512 मेंबर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। और ये अपडेट जो है आपके मोबाइल में इस टाइम आ चुकी है, बहुत लोगों को नहीं पता था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। सो गाइज, अब बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वो नेक्स्ट अपडेट है प्रोफाइल पिक्चर इन नोटिफिकेशन। आप लोग तो जानते ही होंगे जब आपका मोबाइल लॉक होता होगा और आपके पास नोटिफिकेशन आती होगी तो वहाँ पर मैसेज और जो है उसका नाम लिखा हुआ आता होगा जो आपको सेंड करता होगा, बट अब आपको उसकी जगह जो है उसकी पिक्चर भी साथ में आपको दिख। और नेक्स्ट अपडेट आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, उस अपडेट का नाम है व्हाट्सएप कंपेनियन मोड। इस मोड के ज़रिए आप जो है एक व्हाट्सएप जो है मल्टीपल डिवाइसेस में जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। पहले ये होता था जो अब तक इस अपडेट में चल रहा है पुरानी अपडेट्स में ये होता था कि आप जो है एक मोबाइल में एक ही व्हाट्सएप यूज़ कर सकते थे। अगर आप एक ही व्हाट्सएप जो है दूसरे मोबाइल में यूज़ करने लगते थे तो यहाँ से पहले वाले मोबाइल में लॉग आउट हो जाती थी और दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर सकते थे आप व्हाट्सएप। बट अब जो है कंपेनियन मोड के ज़रिए आप जो है वो अपने टैब में, लैपटॉप में या दूसरी मल्टीपल डिवाइसेस में भी आप अपने एक व्हाट्सएप यूज़ कर सकते। सो गाइज, अब नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें, ये अपडेट अभी आई नहीं है, आने वाली है, जो आपके साथ मैं अब शेयर करने वाला हूँ वो है वॉइस कॉल की। एक्चुअली जब आप पहले वॉइस कॉल करते थे तो आप सिर्फ 8 मेंबर्स या फ्रेंड्स को जिसको भी आप कॉल कर सकते थे वॉइस कॉल, बट अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इस लिमिट को बढ़ाने पर आप 32 मेंबर्स को जो है वो एक टाइम में वॉइस कॉल कर सकते। नेक्स्ट फीचर ये है कि अगर आप किसी को मैसेज करते हैं और वो आपसे सेंड होने के बाद आपको पता चलता है कि यार इसमें कोई मैसेज की मिस्टेक है, कुछ वर्ड जो है वो गलत हो गए या स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो आपकी गलत हो चुकी है, तो पहले ये होता था कि आप उसको दूसरा मैसेज सेंड कर देते थे राइट करके थे। लेकिन अब जो है इन फ्यूचर जो अपडेट आने वाली है इस फीचर में आपको देखने को मिलेगा कि आप उसी मैसेज को है एडिट सेंड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आप जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे उस मैसेज को तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट सेंट मैसेज, तो आप इसको एडिट करके अगेन उसी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट जो है वो उन लोगों के लिए है जो डाटा शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, उन लोगों के लिए है। पहले जो है व्हाट्सएप में आप 100 MB जो है साइज़ की एक फ़ाइल शेयर कर सकते थे या डाटा या कुछ भी शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाने वाला है व्हाट्सएप, इसको आप 100 MB से 2 GB करने वाला है। तो ये अपडेट मुझे भी अच्छी लगी है, अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी अपडेट जो है बेस्ट लगी है इन फ्यूचर जो आने वाली है फीचर्स। तो अब नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें तो वो नेक्स्ट फीचर ये है कि अगर आप
नेट यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप जो है वो ना चले, जैसे कि मैसेंजर या फेसबुक जो होती है आप उसको लॉग आउट कर देते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती, आप जो है वो ऑफलाइन ही शो होते हैं। तो ऐसे ही एक अपडेट फीचर जो है वो आपके व्हाट्सएप में भी आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप यूज़ ना करें तो आप उसको थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए भी चाहें, आप उसको लॉग आउट कर सकते हैं, वो आपको मैसेंजर जो है व्हाट्सएप जो है वो लॉग आउट शो हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट फीचर जो है वो ग्रुप कॉल के नाम से है, वो भी जल्दी अपडेट के साथ जो है ये फीचर जो है इंक्लूड हो जाएगा। इस ग्रुप कॉल का मतलब ये है कि अगर आप किसी ग्रुप में किसी मेंबर से या बहुत सब मेंबर से जो है आप वोट कराना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं और आप उसके लिए चाहते हैं कि कोई मुझे वोट करे कि कौन सी चीज़ बेस्ट है, तो आप वोटिंग के ज़रिए ग्रुप कॉल के ज़रिए जो है वो वोट करवा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं दो मोड्स की। एक फीचर में दो मोड, वो मोड ये है, दो मोड ये हैं कि आप अगर आप कहीं जा रहे हैं वेकेशन पे या इस तरह कहीं और जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे नोटिफिकेशन जो है व्हाट्सएप की ना आए, मैं बाद में रीड करूं, तो आप उसको जो है वोकेशन मोड को ऑन कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके जो नोटिफिकेशन जो होंगी वोकेशन मोड के फोल्डर में जो है वो सेव हो जाएंगी, आप वोकेशन के बाद आकर उसको रीड कर सकते हैं। और दूसरा जो है रीड लेटर का है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या कोई एक इंपॉर्टेंट मैसेज है आपको वो मिलता है और आप चाहते हैं कि इसको जो है मैं बाद में रीड करूँ, तो मैं टाइम निकाल के इसको अच्छे तरह से रीड करूँ ताकि मुझे कुछ समझ भी आए, तो उसके लिए आप इसको जो है रीड लेटर के फोल्डर में जो है वो डाल सकते हैं। इससे यह होगा कि आप बाद में वो रीड लेटर के फोल्डर में ही जाके वो। सो गाइस, ये थे कुछ फीचर्स न्यू अपडेट के हवाले से। ये न्यू अपडेट जो है बहुत जल्द आने वाली है और ये सब फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, अभी नहीं तो कल। और कुछ फीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको दो तीन फीचर्स जो मैं आपको बता चुका हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी लाजमी से दबा दीजिएगा। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो मैं बनाऊँगा वो आपको दिखाऊँगा और अपलोड करता रहता हूँ मैं डेली वीडियोज़, तो आप जो है बेल आइकन को लाजमी से दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।